चर्चा हो रही है इस मूवी को लेके, कितने एक्साइटेड है मूवी रिलीज के लिए? देखिए, हर आदमी एक्साइटेड होता है जब मूवी आती है, और थोड़ी नर्वसनेस भी होती है कि लोग किस तरीके से लेंगे अपनी फिल्म को, तो वही सेम इमोशन हमारे अंदर भी। देखो, मूवी जितनी भी चर्चा में रहे, जब तक लोग सिनेमा हॉल में नहीं आएंगे और फिल्म देखेंगे नहीं, कुछ मतलब नहीं बनता है। आई एम होपफुल कि जो भी चर्चाएं हो रही है वो कुछ पॉजिटिव आउटपुट निकले, लोग आए देखने और फिल्म को हिट बनाए। सो सर, हम जानना चाहेंगे आप दोनों से कि अगर आप थोड़ा बहुत अपने किरदार के बारे में बता दें, क्या रोल आप प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में? मैं इस फिल्म में एक फीमेल मोची का किरदार निभा रही हूँ, उसका नाम फुलवा है। वो जूते में टाका लगाती है, टाका लगाने के 5 और कोई उसे ताड़े तो उसके 20 रुपए चार्ज करती है, क्योंकि वो बहुत शातिर है, एक बिजनेस माइंड की लड़की है, कहीं भी पैसा कमाने का मौका मिले तो नहीं छोड़ती, और उसे बाबू से बेहद प्यार है। जी सर, मेरा कैरेक्टर नाम से ही जाहिर है, बाबूमोशाई बंदूकबाज, कॉन्क्रीट किलर है, और बहुत ही वियर्ड सा कैरेक्टर है। एक्चुअली हो सकता है कि आप जब फिल्म देखने के बाद जाएं, आपको इतना ज़्यादा पसंद भी ना आए, गाली भी दे सकते हैं आप, लेकिन एंटरटेन ज़रूर करेगा, ये फैक्ट है। और ऑफकोर्स, जैसे विदिता ने बताया कि जैसे फुलवा का जो उनका कैरेक्टर है, वो बाबू को बहुत प्यार करते हो, बाबू भी उनको बहुत पैशनेटली प्यार करता है, लेकिन थोड़ी सी बाबू के अंदर थोड़ी कमियाँ भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो फुलवा को साथ लेकर चलता है, हमेशा इक्वालिटी का ख्याल रखता है, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं बट अनकॉन्शियसली उसकी एक लाइफ में है इस तरह की चीज़ें, तो ये इस तरह का किरदार है। सर, क्या होमवर्क किया आपने इस कैरेक्टर को अचीव करने के लिए? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जिस तरह से एक स्टाइल होता है, मैंने हॉलीवुड एक्टर्स को देखा है, चाहे वो मान लें ब्रांडो हो या कोई भी हो, तो वो वैसा ही स्टाइल इस कैरेक्टर के अंदर भी है आपने वो? नहीं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो खुद बताते हैं आपको कि आप उनके उस तरीके से तैयार कीजिए, हर कैरेक्टर के साथ आप सेम प्रोसेस से प्रिपेयर नहीं करते। लाइक बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक रमन राघव किया था, तो उसके लिए अलूप हो गया था, बिल्कुल अलून एक जगह पे चला गया था, क्योंकि वो उसकी साइकी ऐसी थी वो उस कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर है, ये कि बहुत ही लाइक कनेक्ट करने वाला एक कैरेक्टर है, जो आम लोगों से बहुत कनेक्ट करता है, लेकिन उसका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के कैरेक्टर हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी, इससे मिलते जुलते लोग इस अपनी लाइफ में भी देखे हैं मैंने, तो इतना ज़्यादा मतलब उसकी प्रिपरेशन के लिए इतना ज़्यादा नहीं था, बस ज़्यादा ये था कि स्पॉन्टेनियसली ऑन द सेट क्या कुछ एड ऑन किया जा सकता है, फ्लेवर क्या फ्लेवर लोकल फ्लेवर आ सकता है उसमें, वो उस पर ज़्यादा फोकस किया था। मुझे एक्चुअली इस फिल्म में प्रिपरेशन करने का मौका ही नहीं मिला, मैं रातों रात किसी को रिप्लेस कर रही थी, चित्रांगदा सिंह को रिप्लेस कर रही थी, तो मैं बहुत टेंस थी, क्योंकि एक तो फिल्म बहुत हटके है, मेरा कैरेक्टर बहुत बोल्ड है, और ऊपर से मैं बंगाली हूँ, ये कैरेक्टर यूपी की है, यूपी वाली डायलेक्ट बोलती है, सिंग साउंड फिल्म है, डबिंग नहीं होगी, बाद में करेक्शन का कोई स्कोप ही नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया, मैंने फिल्म के राइटर को कांटेक्ट किया, वो मुझे 2 घंटे दिए, मैंने उनसे सारे डायलॉग्स पढ़वा लिए, रिकॉर्ड कर लिए, और सेट पे मैं नवाज जी को फॉलो करती थी, और उत्तर प्रदेश के कई बहुत अच्छे लोकल एक्टर्स थे, उनके भी मैं डायलॉग फॉलो करती थी, कोशिश किया अपने तरफ से डायलॉग ना ऐड करने की, जितना कम बोले और जितना एक्टिविटी से किया जाए, तो फाइनली हो गया। आपने बोल्ड है ये तो वो दिख ही रहा है, एंड प्लस CBFC ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी बीच में, तो अब क्या है मामला, थोड़ा सा बताइए। अभी भी है वैसे ही, नहीं अटका हुआ मामला, शायद कुछ दिनों में, 1-2 दिन में शायद कुछ हमें आइडिया हो जाए कि भाई हमें कितनी राहत। काफी मूवीज को ये CBFC का सेंसर बोर्ड का को फेस करना पड़ता है, आपको क्या लगता है कि सेंसर बोर्ड हमेशा इतना इशू क्यों क्रिएट करते हैं, हर मूवीज में कोई ना कोई कट्स दे देते हैं? वो शायद ये चाहते हैं कि भाई स्क्रिप्ट वो लिखें, और जैसे वो स्क्रिप्ट लिखें उसको हम लोग शूट करें। नवाज साहब, जैसे कि सेंसर बोर्ड की बात करते थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एकजुटता नहीं दिखती यहाँ पर,
आपकी फिल्म को कर्ज दिया जाता है लेकिन कोई खड़ा नहीं होता, तो आर यू डिसअपॉइंटेड? क्योंकि इस बार तो सारे डायरेक्टर्स, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बड़े एक्टर्स की बात करूँ तो वो खड़े नहीं उठते हैं, वो आगे आगे नहीं बोल पाते हैं हम जब पूछते हैं तो आर यू डिसअपॉइंटेड? भाई बड़े एक्टर क्यों नहीं खड़े होते, मुझे तो आइडिया नहीं है क्यों नहीं खड़े होते, बट हमारी फिल्म थी तो हम तो खड़े हुए, हमारा साथ काफ़ी लोगों ने दिया, काफ़ी फिल्म मेकर्स आए, प्रोड्यूसर्स आए, कैमरा लोग आए, एक्टर्स आए, सब लोग आए, सपोर्ट किए। हमने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, वहाँ सब ने अपना जो ओपिनियन है वो रखा, तो बहुत अच्छी बात हो रही है, एक एकजुट होके सब मुकाबला कर रहे हैं। सर आपका नवाज सर के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या आपने सीखा है सर से? इतने मज के साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनसे देखिए एक्टिंग तो हम लोग, मैं हर एक्टर से मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्टिंग सीखती हूँ, पर इनसे एक्टिंग से ज़्यादा मैंने जो सीखा है वो है कि पेशेंस। अब आपके पास जब काम ना हो, आपको अगर कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़े फिर भी आप इंडस्ट्री में कैसे टिक सकते हैं, और अगर आप स्टार बने हैं तो स्टार बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए आप में, और अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो बनाए रखने के लिए भी आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, ये सब कुछ मैं मुझे नवाज जी से सीखने को मिला। जैसे आप कंटेंट पे सब सिनेमा आ गया, आप मॉम देख लीजिए एकदम हिट होती है, वहीं अगर इरफान खान सर की हिंदी मीडियम हिट हो रही है वहीं, लेकिन अगर कहीं हम देखते हैं कि जो एवरेज बिजनेस कर पाए जैसे हैरी मैट सेजल या फिर ट्यूबलाइट, तो सर क्या लगता है आपको कि अब क्या दौर बदल रहा है या फिर नए एज ऑफ एक्टर्स आ रहे हैं या क्या है? देखिए दौर तो खैर बदलता ही रहता है, हर दौर में दौर बदलता है, बट एक किसी एक स्टार की एक फिल्म फ्लॉप होने से, जिनके नाम आपने लिए उनके एक फिल्म फ्लॉप होने से आप वो नहीं बना सकते, राय नहीं बना सकते, कोई नहीं दूसरी फिल्म आएगी वो हिट हो जाएगी। तो बट ये है कि जो फिल्में आई थी जिनको आप फ्लॉप बोल रहे हैं वो, उसका क्या होता है कि कभी कभी आप सिर्फ उनके ज़िम्मे नहीं डाल सकते उन फिल्मों को कि उन्हीं की वजह से, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं फिल्म के ना चलने के, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो सर आप हमेशा काफ़ी सिलेक्टेड मूवीज़ करते हैं और एकदम हिट देते हैं, तो आप अभी लाइक स्क्रिप्ट को लेके सिलेक्टेड हो गए हैं कि आप में ये कला है जो आप जो मूवी करते हो उससे में आप हिट हो जाती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स चूँकि ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो उस दिमाग का यूज़ किया जाता है और अपनी सोच समझ रख के कि पिक्चर कौन सी आपके लिए सही रहेगी। और सर जैसे कि इस फिल्म में भी आप की बात करें तो आपने हाल ही में एक ट्वीट भी किया था बॉडी शेम को लेके, कलर्स को लेके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट करते हैं प्रोडक्ट को, तो आप इस पर क्या राय है कि कलर स्किन को लेके एंडोर्स करना सही है? अवेयरनेस की चीज़ों को प्रमोट करना, उससे क्या होता है कि पूरी कंट्री में लोगों को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आप, है ना, वो प्रोडक्ट को प्रमोट करके, तो वो और एक कॉन्फिडेंस, बल्कि हमें तो कॉन्फिडेंस ये देना चाहिए, बीइंग अ सेलिब्रिटी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमें ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए लोगों को अपने देश के कि जो भी जिस भी कलर में है, चाहे गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला, जो भी है, उसको उसी उस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो फील करे कि भाई मैं नॉर्मल हूँ, मैं जैसे सब होते हैं वैसे मैं हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें प्रमोट करके आप किसी को बहुत ही महसूस करा रहे हैं कि भाई वो इज नॉट ए गुड लुकिंग बंदा। आप क्या सोचते हैं, आप जस्ट हाँ आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? देखिए हमारे सोसाइटी में हमेशा कलर लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मैं भी अपने करियर की शुरुआत में फेयर एंड लवली की मॉडल रह चुकी हूँ, मैंने फेयरनेस को एंडोर्स किया है, पर बाद में मुझे पता चला जब लोगों ने कहा मुझे इस मतलब इस टॉपिक पे मेरा ध्यान आकर्षित किया, तो मुझे पता चला कि मैंने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैंने उसके बाद हमेशा कोशिश की कि मैं इस स्किन कलर को, मैं वाइट स्किन को मैं प्रमोट ना करूं। मैंने अपनी फिल्मों में, कई फिल्मों में कॉन्शियसली मैंने अपने स्किन टोन को डार्क किए, बाबूमोशाई में भी मैंने अपने स्किन टोन को डार्क किए हैं। स्किन टोन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक्टर का एक ही स्किन टोन होना चाहिए, वो से हर कैरेक्टर के रंग में ढलना चाहिए,
कैरेक्टर का रंग जो है वही उसका स्किन टोन होना चाहिए। ओके सर, एक आखिरी सवाल है सर, 15 अगस्त आ रहा, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे और ऐसी कौन सी चीज़ है आप पर्सनली कुछ फ्रीडम पाना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलके अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाए। मैम 15 अगस्त आ रही है, हमने ये जो स्वाधीनता है बहुत संघर्ष के साथ हासिल किया है, हमें ये हमेशा बचाए रखना चाहिए और हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, बस यही। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू।